नमस्कार दोस्तों, मैं आज ये राधे राधे ये मखाने की खीर बना रही हूँ। ये मखाना मैंने इसमें जो है मखाने डाल के, ये कटोरी मखाने है ये, तो ऐसे हल्के गैस में फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये दूध जो है ये एक लोटा करीब दूध है, गर्म करने रख लो। दूध उबल रहा है। मखाने की खीर बहुत स्वादिष्ट होती है और ये व्रत में भी बनाई जाती है, और इसको जो है एकादशी व्रत में और जैसे जन्माष्टमी व्रत में बनाना चाहिए, क्योंकि ये फलहारी है और एकादशी में और जन्माष्टमी में अनाज नहीं खाते, क्योंकि एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का एक ही भगवान का व्रत होता है। इसलिए ये जो है मखाने की खीर बनाई। और ये जो है ये बादाम है, अखरोट और काजू, और ये 5-6 इलायची, ये मैं इसको जो है जार में डाल रही हूँ। इसको मैं हल्का सा दरदरा सा बना दूँगी मिक्सी में, और उसके बाद जो है फिर मखाने को हाथ से तोड़ूँगी। और ये जो है ये मैंने ये ड्राई फ्रूट मैंने हल्के से एक दरदरे बना दिए हैं, और ये मखाने हैं। मखाने हाथ से ऐसे टूट जाएंगे, उनको ऐसे तोड़ना है, और उसके बाद जो है ये फ्राई कर दिए थे ना, फ्राई करने के बाद जो है कुरकुरे हो जाते हैं ये। और मखाने की खीर वैसे भी शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है, इसको बनाएं। इसको जो है मैं ऐसे तोड़ के तो दूध में डाल दूँगी। दूध भी एक तरफ दूध भी उबल गया है। जैसे कुरकुरे रहते हैं जल्दी टूट जाते हैं। ये सब मैंने आधे तोड़ दिए, आधे मैंने साबुत रखे हैं जो थोड़ा सा उसमें। और ये अब जो है ये दूध बन गया है, ये सारी चीज़ें। और मैं जो है ये मखाने की खीर तैयार हो गई है। तो इसमें मीठे में मैंने ये चम्मच है, इस चम्मच से मैंने 5 चम्मच के करीब चीनी निकाली है ये, इसमें चीनी डाल रही हूँ। और खीर तैयार हो गई। और आप भी बनाना और मुझे बताना ये कैसी हो रही, कैसी लगी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना ये सही है या गलत है, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर ना पसंद आए तो कमेंट करना। ये मखाने की खीर तैयार हो गई है। राधे राधे।